छोरी तन्ने के बेरा अरे तने घनी इसी बात हो गया तो मेरे द्वारा आ जा ऊपर ने तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है डॉक्टर जनरल को जगाकर हे मंकी मैं तुझसे दोबारा मिलूंगा ओ मेरे दोस्त सिट विद मी अ व्हाइल आओ इधर आओ बैठो मेरे पास हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लैक विद वुकोंग गेम प्ले। तो गाइस ये जो गेम है काफी जबरदस्त गेम है और काफी वायरल हो रहा है गाइस ये गेम। तो गाइस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा तो वीडियो छोड़ के मत जाना क्योंकि मजा आने वाला है और काफी गेम को गाइस मैंने काफी फनी बना दिया है आप लोग के लिए। तो गाइस आप लोग को एक बार तो बोल के मैं परेशान हो गया होगा भाई यार चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो लाइक करो आप लोग करते नहीं जो कोई बात नहीं गाइस हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर डेड में स्टार्ट करता हूँ। लेकिन हमेशा तरह वही चीज गाइस की ये है टूर्स ब्रदर्स वाईटी और मैं हूँ आपका दोस्त टूर्स बाबा। तो यहाँ पर गेम मेरा स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर मैंने पिछली बार गेम को छोड़ दिया था उस बंदे को मार दिया था जो बड़ा वाला बॉस था उसको मार दिया था मैंने। क्या नाम था उसका मुझे पता नहीं हम वो भी कोई वॉइस था कैप्टन वॉइस था वो भी कोई। और यहाँ से गाइस मुझे चलता हूँ पहले फॉरेस्ट पाथ पे और नहीं परगोड़ा हाईएस्ट गाइस मैं तो इसमें हमारा एक कमी रह गई थी गाइस कि लोअर परगोड़ा जो है जो हम उस गुफा टाइप एरिया में आ गए थे यहाँ पर मुझसे एक चीज़ मिस हो गई थी। यहाँ पे भी एक बॉस था गाइस वो बॉस मुझसे मिस हो गया था और जब मैं बाद में वापस से वीडियो बनाने के बाद मैं ऐसे चेकआउट करा था तो मैंने देखा था भाई यहाँ तो एक बॉस रह गई। तो गाइस वापस से इस साइड आ जाता हूँ मैं सीक्रेट बॉस है गाइस तो इसको भी हम डकेटकी करेंगे इस गेम प्ले में। और इस बार तो गाइस गेम के स्टार्ट होते पहले ही स्टार्टिंग में बॉस आ गया। तो गाइस ये बॉस भी काफ़ी ज़बरदस्त था और ये छोटे आपको दिख रहे बैठे हुए हमारे पीछे पड़ जाते तो पहले भाई अब यार मार कैसे ये मार देता ना यार ये गलत चला जा ले चलो वायर सेना टूट पड़ो ले तेरी तो ऐसी तैसी आजा बेटे मार अब कहाँ गया ओके। तो गाइस मैं जितने भी यहाँ पे सीक्रेट बॉसेस है सीक्रेट जितनी भी चीज़ें गाइस सीक्रेट वाली हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे और अगर फिर भी कोई रह जाता है गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई तूने ये वाला बॉस छोड़ दिया। तो गाइस मैं वो वाला बॉस भी आप लोग के लिए उसकी वीडियो भी लेके आ जाऊँगा ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और तुम्हें कुछ दिख रहा है फिलहाल लेकिन ये यार भाई कहाँ से मार रहा है मेरी वाना से ना लगी हुई है दूसरे बंदों पर जो परेशान करते हैं मेरे को देखो आ रहे वो आ रहे हैं जैसे पर ये इधर से तो नाच रहा है ना ये गलत कर रहा है ले आग वाले भैया जरा चखा तो मजा इसको बच गया मारो वो ऊपर लटका हुआ है वो अरे भाई लेजर लाइट मार रहा है तो पूरा भाई जबरदस्त डीजे बना रखा है क्यों नहीं मस्त आते यार वो सब देखा जाए कि जब भी बंदा आता है तो चला जा ये क्या हुआ अरे ये क्या है भाई खड़ा हो अरे भाई क्या है ये ले भाई लाइट से मार रहा है तो हमको अपनी मंत्रों की लाइट है गाइस ये। और गाइस यहाँ पर ये इसमें आपको बताना भैया कि चार जो कैप्टन है उनकी हमें एक क्वेस्ट होता है वो पूरा कंप्लीट करना है इस अभी इस गेम में लेकिन वो आगे हम लोग देखते हैं वो पता कि नहीं हो पता गेम प्ले में लेकिन कोशिश कोई करूँगा और पहले से लपेट दूंगा जी सेकंड कॉल करो मरने वाला है थोड़ा सा ही बचा है और काफ़ी ईजी बॉस था ये ज़्यादा हार्ड नहीं था आया वो ऐसा पावर ऊपर टंगा हुआ है ना तू तो क्या हो रहा है ये ले एक और ले कहाँ है यार ओ भाई बिना फ्लोर कर दीजिए चला जा लाइट लाइट बच बच बचा 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 अब मार इसको वो इसकी पावर सब खत्म हो गई चिपका इसको फिर तो ऐसी तो आ जा ले मार 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 अरे यार हेल्थ बहुत है मेरे पास में अरे भाई अरे तेरी भाई मैंने बोला क्यों तू तो पीछे पड़ गया मेरे और ये साइड में क्या पिलर से ऐसे ऐसे लगे हुए छोटे छोटे लाइट जैसी मरने वाला है 112 हिट लगी यार यार इसका लूज पॉइंट पैर ही है लेकिन सर सबसे बड़ा लूज पॉइंट डॉगलिंग सर तो पॉइंट रखता है बहुत ऊपर है गया तू चल खाई ना बेटा पावर की फालतू का ड्रामा नहीं अपनों सामने। तो गाइस यंग वाइफ चीफ जो है यहाँ पे एक सीक्रेट बॉस था ये मैंने मार दिया है और इसकी सोल भी हम एब्जॉर्ब कर लेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ड्रिंक हो जाए पी लो बेटा पी लो ओके दिस गाइस टेक कर लेता हूँ मैं माइंड कोर मटेरियल मुझे मिला है और गाइस माइंड कोर मटेरियल जो होता है आपकी
स्टेमिना और आपकी जो एबिलिटीज है उनको बढ़ाने में आपके काम आता है। तो गाइस गेम का ग्राफिक देख रहे हैं आप, पीछे कैसे मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई है, मंदिर वगैरह क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हम इस प्रोगाड़ा से बाहर निकल गया था मैं पिछली बार में, लेकिन इस बार मैं वापस से नीचे आना पड़ा मुझे सिर्फ इस बॉस को मारने के लिए। तो हम वापस से बाहर निकलेंगे और आगे देखते हैं और कोई बॉस मिलता है मुझे कि नहीं मिलता, लेकिन जाने से पहले एक बार मैं पूरा एरिया चेक कर लेता हूँ और कुछ है यहाँ पर, नहीं है, नहीं फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। चलो गाइस हम छोटे मोटी जो एनिमीज है उनको मैं नहीं मारूंगा फालतू फंड का, वो तो पहले से बैठा हुआ है, उसको क्या मारेगा, छोड़ नहीं कुछ नहीं रास्ता। चलो और गाइस ये एक नई चीज देखी मैं, डायरेक्ट हमें जहाँ पे वापस से अपने उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जो अपर परगोड़ा है वापस आता है, और यहाँ से मैं वापस से ट्रैवल करके बाहर निकल जाता हूँ गाइस। ठीक है, पहले गेम एक बार रिसेट कर लेता हूँ ताकि जो मेरी एबिलिटी वगैरह सब वापस आ जाए। और लोअर परगोड़ा में गाइस यहाँ पे हमारा वो बैठा रहता है कैप्टन जो एक है यहाँ पर, 4 कैप्टन का इसके अंदर एक मिशन होता है गाइस, वो हमें पूरा करना पड़ता है। तो ये मैं मिस हो गया था पिछली बार क्योंकि मैं डायरेक्ट बाहर निकल गया था, और उससे वो ये मिशन कंप्लीट करने के लिए मैं नीचे आया हूँ। और मिशन कंप्लीट करने का गाइस ये फ़ायदा होता है कि आपको जैसे कि ये कुछ नई चीज़ देके जाते हैं अगर हम मिशन कंप्लीट करते हो। हाँ मुझे पता तू आएगा यहाँ से उड़ेगी, इसलिए मैं पहले सीधे से निकल गया। और गाइस आपने देखा होगा स्टार्टिंग में पिछले गेम में कि ये सारे जो गेट होते हैं इसके ग्रीन कलर के लॉक लगे रहते हैं इनके ऊपर, ब्लू कलर के सारे, और उन लॉकों को खोलने के लिए जब हमको पहले इस बॉस से फाइट करनी पड़ती है उसके बाद सारे जो लॉक होते हैं वो खुल जाते हैं। तो अब सारे जितने भी लॉक हैं यहाँ पे सब खुल गए, पर ये बहुत परेशान कर रहा है मेरे को। चलो अरे काम फंस गया, आ गया ठीक है, तू क्या देख रहा है। तो यहाँ से गाइस ये गेट में ओपन कर लेता हूँ, और इसमें एक चीज़ और बताना भूल गया आपको कि हम जब पीछे वाले पार्ट में चैप्टर 2 में जाके एक कोने में जगह होती है वहाँ पे हम उससे एक बंदे से बात करते हैं, तो ये बंदे से बात करने के बाद में हमें यहाँ पर इसकी एक नया वेपन मिल जाता है। ये वेपन कहाँ पे इस्तेमाल होगा गाइस मुझे अभी नहीं पता है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वेपन काफ़ी जंग वंग लगा हुआ है, काफ़ी पुराना वेपन है, इसी का वेपन है गाइस ये, इसकी भी एक स्टोरी है अलग से। कुछ बोल रहा है वो, कोई आवाज़ आ रही है। देखो दोस्त कोई बात नहीं, मृत्यु तो एक रिलीफ है जिंदगी का। मुझे नहीं पता तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मदद कर सकता हूँ, या तुम मेरे 4 रॉयल कैपिटल्स को ढूंढ सकते हो, क्या तुम मुझे इस दर्द से आजाद करोगे। And tricked us here for a false fee, and I was foolish enough to fall for his trap. और अगर तुम्हें वो सब गिन जाएंगे चारों, तो मैं अपने इस दर्द भरी जिंदगी से आजाद हो पाऊंगा। I got rid of my eyes and ears to shield myself from these beguiling charms. मैं मरने से पहले अपने ये इच्छा पूरी करनी चाहता हूँ। तो गाइस हम इसकी इच्छा पूरी जरूर करेंगे, आप टेंशन मत लो भाई, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो गाइस हमें क्या करना है कि यहाँ से ट्रैवल करके हम वापस निकलते हैं न्यू ईस्ट अलग अलग जगहों पे। तो वार्डन टेम्पल में गाइस मैं गया था, यहाँ पर एक स्टार्टिंग में एक बॉस आया था, उस बॉस से भी हमें पंगे लेने हैं, और बस वाव कर रहा है। और गाइस उस और जो ये जो क्वेस्ट है 4 कैप्टन वाला, ये भी हम कंप्लीट करेंगे, उस कैप्टन से हमें मिलेगा एक नया हथियार। अब वो हथियार क्या मिलेगा गाइस आपको देखना, ठीक है हम आगे चलते गाइस। सर अब यहाँ पर वो बंदा मिलेगा मुझे, बहुत अच्छे तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा, मैं ऐसे मैंने छोटा मोटा जादू नहीं है मेरा ये। अरे बंदर तुम क्या देख रहा है, तेरा सबक सिखा दे इस काले बंदर को। गाइस मुझे उसने बोला ले, और वो गोल सर्कल के अंदर कोई बैठा हुआ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है वो, और वो बोल भी रहा है कि इस बंदर को सबक सिखा, हम इसको सबक सिखा देंगे। फिर से आया, दूसरी बार आया हमारे पास में ये, तो भाग गया था गाइस पहली बार में, तो इस बार नहीं बचेगा ये। आजा बेटे आजा बेटे आजा भाई, इतने सारे हो जाते हैं ग्राफिक की तो बैंड बच जाती है, और ये पावर विंड वो सॉरी वो विंड विंड टेमर में आ गया मैंने कहा इसके ऊपर जो खतरनाक एबिलिटी है लिखा पावर भाई, उसकी हेल्थ खाई गई है सारी, बस वो तो मरने वाला है। भाई हेल्थ देखो कितनी जबरदस्त खींचे इन लोगों ने, पूरा ले गए इसको वो गया जबरदस्त। मंकी मैं तुझसे दोबारा मिलूंगा।
मैं नहीं हार सकता, मेरे मास्टर मुझे नहीं हारने देंगे। हार मैं जा तू। भाग गया वो। Hold it, my friend. ओ मेरे दोस्त, sit with me a while. आओ इधर आओ, बैठो मेरे पास। Dogford, ये काला बंदर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है पहले के मुकाबले। तुम्हारे पास में बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स है, तुम उसे हरा सकते हो। पर तुम्हें कुछ मैं देना चाहता हूँ। And so is my role to teach you this. मैं तुम्हें आगे जाने से पहले एक छोटी सा जादुई ट्रिक देना चाहता हूँ। देखो जरा। है उसने चावतर से एक चुटकी में आग लगा दी। I am extraordinary. As is my flame. ये कोई छोटी मोटी आग नहीं है। इस आग से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो गाइस मुझे भी आग की पावर वाली जो पावर है मिल गई है। रिंग ऑफ फायर स्पेल मिला है। यानी गाइस इस ये जो पावर है मेरे हमारी जो पावर मिली मुझे ये रिंग ऑफ फायर, इसके थ्रू हमें क्या होता है, अगर हम इसे गोल सर्कल में एक बार मार देंगे जैसे वो बैठा हुआ था, तो बंदे जैसे उस परेशान हो रहा था उसके अंदर घुसने के लिए, ऐसे कोई भी हमारे पास में अंदर नहीं आ पाएगा और जब हम उस इस पावर का यूज़ करेंगे तो इस स्पेल का यानी कि। ठीक है, तो अब आगे के निकलते गाइस। यहाँ पे एक बॉक्स मैंने खोल लिया था, यहाँ से मुझे कुछ मिला है और मैं आगे चलता हूँ। हमारी जर्नी गाइस रेगुलर बनी रहेगी, बस आप लोग वीडियो पर बने रहिए। और अगर आपको वीडियो में गाइस कोई कमी लगती है तो मुझे ज़रूर बताइए। और गाइस आप लोग लाइक नहीं करते हो, मैं आप लोग से बस यही कहना चाहूँगा यार, आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो यार, आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगती है क्या? अगर अच्छी नहीं लगती है तो मुझे बताओ ना यार कि कमी क्या है। मैं यही तो चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि कमी ये है, या आप लोग कोई बताते नहीं हो यार। अब व्यूज़ 2,000-3,000 तक भी पहुँच जाते हैं, लेकिन यार चलो लाइक ठीक ठाक आ जा रहे हैं 50-60, लेकिन कमेंट्स देखो गाइस, कमेंट आप लोग खुद देख लीजिए इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो, कितने व्यूज़ है इसके ऊपर है और कितने कमेंट आए हैं, है ना। ठीक है, आगे कुछ बड़ा सा कुछ गोल गोल मुझे तस्तरी टाइप का दिखाई दिया, वो क्या है मुझे नहीं पता। चलो और आगे चलते हैं। वो स्लिप हो रहा है भाई साहब, स्केटिंग कर रहा है मेरा बंदा ये। अच्छा मैं बाहर आ गया, परगोड़ा से एकदम बाहर आ गया गाइस, गुफा से जो फंसा हुआ था। ये है कहाँ पर, लगता है फिर से कोई बॉस आ गया क्या? मुझे अपना थोड़ा सा ग्राफिक बढ़ाना पड़ेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। आगे हवा चल रही काफी तेज। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ओ भाई भाई पूरा ही हिल गया ये तो, क्या है धरती हिल रही है क्या? तुम क्यों नहीं समझ पाते हो मेरी बातों को? सिर्फ खून ही नहीं होता। रे छोरी तन्ने के बिना, अरे तन्ने घनी इसी बात हो है तो मेरे दूर आ जाओ, ऊपर में मेरे पास। चुपचाप रहो तुम, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। अगर तुम अच्छे से व्यवहार करोगे तो मैं अपने मास्टर से जरूर कहूंगी कि तुम्हारी मदद करेंगे। छोरी तन्ने के मेरा के हुआ हमारे द्वारा, अरे तू और तेरा मास्टर जाए गड्ढे में, मैं अरे एकला ठीक छू। और तन्ने के मेरा ये तरफ भी गुरु और तरफ भी बाप आ गया सर, यारे मैंने उसकी आन की आवाज हो रही है। तुम्हें नहीं पता कि मास्टर ने ही इतना इस बुरे बुरे टापू का निर्माण किया था और एक बंदे उसे नहीं तोड़ सकता। कोई आया वो भाई, वो मार रहा है अंदर से, कुछ मारा उसने जो अंदर बंदा है भाई साहब, तो पूरी धरती हिल गई। ये क्या है भाई? अरे भाई पूरा टापू कछुए का वो पीठ है तेरी, तो इतना बड़ा कछुआ है क्या? Boy, what a scene, bro! भाई इससे बॉस फाइट होगी क्या हमारी? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है डॉक्टर जनरल को जगाकर। कछुआ सांप, अरे यार सांप जावे भाड़ में तो तरह एक बार पीछे देख, वो बंदर आ गया, यो खाओ भाई तना। मास्टर ने मुझसे कहा था कोई बहुत ही शक्तिशाली हो और प्रकोड़ा से उसने तुम्हें आसानी से आने दिया, पर अब देखना ये है क्या तुम इस बड़े टापू से आगे जा पाते हो कि नहीं।
चल आजा बेबी, जाएगा मैं फोन आगे भी जाएगा, ले 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 तू भाई साहब, अरे भैंस जबरदस्त काट रही है तू, भाई जबरदस्त आइटम है, ले बेटे बहुत देर होगी तेरे को चमकते चमकाते बिजली चमारने से ना टूट पड़ो गई बेटा, हेल्थ देखो कितनी उसी एक बार में यार, ओ भाई ये वाले दिन चिपक गई, ये कर देगी आदि आ गई, ओ ड्रैगन बन गई अभी गाइस, इसका नाम भी लूंग लूंग था, तो ये भी लगता है उसकी कोई बहन है जो हमने पहले पहले पार्ट में ड्रैगन मारा था, आपने अगर देखा हो तो जरूर जाके देखेगा, नहीं देखा है तो मुझे अलग बात है, गाइस पहले पार्ट में भी एक ऐसी ड्रैगन थी लेकिन उसमें कोई लड़की नहीं उड़की नहीं मिलती, ये उसी की बहन लग रही है मुझे, कितना मारू वो फिर गायब हो गई, आजा आजा क्या कर रही है वो, अरे ऊपर चिपक गई ना जाकर, भाई साहब ठीक है ये तो इजी टास्क है, ये तो मैं कर लूंगा, अच्छा नीचे आ नीचे आ, क्या करेगी वो, मौसम चेंज भाई, उसने पूरा आसमान काला पीला कर दिया, बिजलियां कड़क रही है नीचे और क्या सी वो निकल रही है बाहर त्रिशूल से, नीचे आ गई चिपका, शिट ले ले ए शिट शिट शिट, ओ बचा यार क्या कर रही है ये, अरे रुक जा मैडम एक मिनट रुक जा बस, अंग्रेज आ जा ये पावर की खाई खाई खाई, अब उसके आधे से नीचे एंड हुई, अब गाइस वो और खतरनाक हो जाएगी, बच गई यार बच गई, फिर था उसने वो, ओ शिट क्या हुआ, उड़ गई ऊपर नीचे, अरे भाई साहब सुइयां मार रही है तो, अच्छा 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 नीचे आ ऊपर का जाके बैठी है, ओ ये कहां से आए भाई, भाई उसका तो चेहरा भी काला हो गया यार, सुंदर लग रही थी देखने में, नीली नीली सी ऐसा लग रहा था जैसे थैनोस की बेटी है, भाई अरे बचा बचा, अरे यार रुके, ओ चलो यार मौका नहीं दे रही है मेरे को बिल्कुल भी, वो आ जा पकड़ लिया मेरे हेल्थ को उसने यार, अब फुटबॉल खेल रही है तू, नहीं मरना है, मरना नहीं है भाई, मरना नहीं है, एक बार में मारेंगे इसको, बच गई आ जा चिपका, दिया मौका इसने दिया मौका, यही थोड़ा सा टाइम मिलता है गाइस, अरे यार लेकिन ज्यादा देर का टाइम नहीं मिलता है, तुरंत वापस एक्टिव हो जाती है, गोल 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 बाहर निकल, भाई साहब बिजलियां बिजलियां गिर रही है फिर से, साफ पूछ मारी बच गया, अरे गायब भी तो हो जा रही है ना वो, साफ के रूप में मैं नहीं लग रहा है उसको, खड़ी है चिपका, नहीं नहीं मारेगी मारेगी, ओ भाई हेल्प बड़ा हेल्प बड़ा, एक नंबर एक नंबर, कोई कोई टेंशन की बात नहीं है, फुल हेल्थ है मेरी, इतने मैं तो मार लगा दूंगा भरी, यार कैसे मारू, चलो सेना टूट पड़ो, अरे सेना नहीं थी वो मेरा वो विंड टेमर था, शिट विंड टेमर से कुछ नहीं हुआ भाई, विंड टेमर का तो उसके ऊपर असर भी नहीं हुआ, देख रहे हो देख रहे हो यार, ओ भाई साहब कितने सारे यार भाई, ओ चिपका 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 चिपका, नहीं नहीं मारने देगी ना तेरी तो, ले पावर की भी ले, गुस्सा दे रही है, पीछे 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 थोड़ी सी बची है, नहीं ओ पीछे पीछे पंगे मत ले, हाथ बड़ा हेल्प बड़ा हेल्प बड़ा हेल्प बड़ा हेल्प बड़ा, भाई रुकने नहीं दे रही है, बच गया भाई टाइम पर आ गया एकदम, ये तेरी बारी अंकल, जरा मजा दिखा,
मजा आ जाएगा इसको, ठंडा कर इसको, ठंडा कर इसको, गर्मी बहुत है इसके अंदर। चल तेरी को, ले ले, गई तू, गई, एक और बस खत्म। तुम्हारी तो डक्के डकी कर दी मैंने। मास्टर सही बोल रहे थे कि बंदर आ रहे हैं, पर तुम्हें कभी भी गोल्ड सिंबल नहीं मिलेगा। वो कौन कौन सा गाइस, यानी कि उसने रूप चेंज किया, ये भी भाग रही है यार। भाई बंदर भैया भागो, पकड़ उसको। ओ भाई पकड़, सही में पकड़ लिया से तो। चल पकड़ इसको, छोड़ने का नहीं है बिड़ू, छोड़ने का नहीं, मार इसको। ओ कहां जाएगी, कहां जाएगी यार, क्या सीन है भाई, क्या बनाते हैं यार ये सही में। ओ भाई घुसा दिया, ओ गई तेरी हवा निकली और क्रॉस हो गया, ओ क्रैश हो गया भाई, लगा उसके ऊपर, वो खुल गया वो। ओ भाई जो इसके अंदर था वो बाहर आएगा लगता है, अब इसके अंदर कौन सा शैतान बंद था। ये क्या आया, ओह वो आ गया यार, वो सुअर, अरे वो सुअर जो जन्नू वेस्ट में उसके साथ में था उसी का हथियार है गाइस, ये मुझे लग रहा वही होगा। चूहा है, सुअर है, क्या है, अरे अरे कैसे नीचे उतरूं, अरे यार कड़े फंसा दिया रे आज तो, रब रब भाई का ही। ओ भाई अरे तू क्या देख कर है, तने ने बेरा कितना, इतने साल तक छोटी सी जगह में रहना कितना मुश्किल सा है। अरे पछे नट जे हटिए जरा एक बार देखन दिए, ले गणी बोले थे ना तू भाई, उसके तो ऐसी ऐसी कर दिए एकदम, ठोक रहा भाई तो उसके ऊपर। या पागल छोरी जो है ना घनी उसी है, और इसने के बेरा पर तुम दूसरे बांदर जैसा को ना भाई, तेरी तो चेहरे में भी कुछ चमक सी है, कोई बात ना, चल आगे ने चलेंगे, देखेंगे और के ऐसा जा रहा है। चल मेरा दोस्त कछुआ मेरा वेट कर रहा है आगे, और मैं अगर न जाऊं, लेकिन मना ना मेरा भाई, येलो ब्राउन ने भी तू ही मर रहा, जब तक मैं आगे पहुंचू तू यार एक दो चक्कर काट ले, ये मेरा काम है कुछ ना कुछ तने पा जा। चलो भाई, तो उसने बोला है कि मुझे कुछ सामान यहाँ मिल जाएगा, तो मैं ढूंढता हूँ गाइस यहाँ पर कुछ सामान मुझे मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन सबसे पहले गाइस यहाँ में जो सेव करने का पॉइंट था वो उसे जाके मैं सेव करता हूँ, और उसके बाद देखते हैं हम आगे और क्या करना है मुझे करना है। कहाँ गया पॉइंट यार, वो पॉइंट गायब हो गया यार, वरे 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 वरा मिल गया, ठीक है ठीक है, नाइस। पूरा लाल हो गया भाई, मैं बहुत ज़बरदस्त फाइट थी उसके साथ मेरी। गाइस कैसी लगी फाइट आपको, आप लोग अगर अच्छी लगी फाइट तो लाइक ठोको गाइस, अब तो ठोक ही देना, ठीक है। नाइस, क्राफ्ट क्राफ्ट वेपन क्राफ्ट आर्मर कुछ नया मिला मुझे, वो लाल ड्रेस मिली है भाई, सेक्सी ड्रेस मिली है भाई को, कंफर्म कर ले 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 ले। और क्या मिला है, ओ भाई ये देख रहे हो ड्रैगन वाला वो मिल गया है मुझे, हाथ में पहनने वाला, और क्या है पैर का भी मिल गया है, 32 है इसका डिफेंस, ठीक है इसको भी लगा लेता हूँ। मुझे चाहिए ज़्यादा डिफेंस वाली चीज़ें ताकि ये हमारे मतलब कि कंट्रोल करेगी। ओके चलो चलो गाइस आगे चलते हैं, अब इधर पे क्या है, कुछ है, कोई खड़ा है। हेलो अंकल, हाउ आर यू गाइस। ये वही है जो चैप्टर 2 में जो बॉस मुझसे मिस हो गया था, मिस नहीं हुआ था एक्चुअली गाइस, मैंने रिकॉर्डिंग मेरी लाइट चली गई थी और मैंने इसके भाई को पीटा था, वो भी गाइस लुंग लुंग था, वो भी उसका नाम भी लुंग था, इसका नाम भी कुछ लुंग लुंग ही है, और ये यहाँ पे जमा हुआ था बर्फ में, क्यों जमा हुआ था मुझे नहीं पता। और ये गाइस सीक्रेट बॉस है, तो यानी सीक्रेट बॉस तो कुछ सीक्रेट एबिलिटी देके जाएगा हमें। इसका नाम है गाइस कैन लुंग, ये है बैंगन बैंगन लुंग, और वो था गाइस रेड लुंग, ठीक है लाल रंग का लुंग था वो।
ओ भाई चले लेट्स गो, चल आ जा ले पावर की, ले बेटे सर पे ले, पहले तू गई इसकी हेल्थ 10% उड़ाई दी, अब ये बाकी उड़ा देंगे। चलो लग जाओ बेटा काम पे, पानी देना, टूट पड़ो, छोड़ दो, ढूंढना नहीं दुश्मन को। ओ भाई और कितनी हेल्थ थी, एक पावर ने उसकी, अबे एक हाथ तो मार था उसने, बिजली वाले हाथ मार लेकिन उसने, इसमें बिजली वाले बहुत आ रहे हैं, बिजली मारने वाले हैं ना, छोड़ना नहीं इसको, छोड़ना नहीं, मारो मारो मारो, छोड़ो चिपक पावर चिपक, वो गायब हो गया, लगी 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 है उसको, लगी उड़ते उड़ते लगी है आधी हेल्थ तो, ये भी डेंजर हो जाएगा गाइस, शिट वो लोग गए। चल भाई अब वाले भैया क्या इसको भी ठंडा कर, ये भी गर्म हो रहा है, मस्त हेल्थ कट रही है भाई, उसके पास लगती है उसमें बहुत हेल्थ जल्दी है, पूरी हिट इसकी लग जाती है, देखो 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 हेल्थ कर, देखो जीपू कितना कितना कटा है, क्या कर रहा है, ओए क्या कर रहा है वो भाई साहब, हवा है भाई, अच्छा पावर मारेगा, क्या कर रहा है बे, क्या कर रहा है बे, पूछ कुछ नहीं हुआ मेरे को तो, ले बेटा तू फाइल आ, बच गया, ये कुछ कर रहा है वो, आया 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 बचा, ओ मर चिपका, ओ बच गया, बचा भाई चिपका, पावर की लगी बेटे को, नहीं 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 लो बचा, जैसे उसका हाथ उठेगा मैं तुरंत वहां से मूव हो जाऊंगा, यही ट्रिक है इसकी, ओके ओ भाई इससे बचना मुश्किल है भाई, इस बड़ी स्पीड में आता है, ओ ठीक है चिपका ले, अरे लगी नहीं लगी लगी, और भाई देख रहे हो एक हाथ में हेल्थ, भाई मुझे कुछ, मेरा आर्मर तो बढ़िया है फिर भी इतनी हेल्थ कट रही मेरी, क्या करूं, आया वो आया, एक बार फिर आएगा, दो बार आता है ना, आया अब चिपका इसको, चिपका चिपका चिपका, रुक जा, अच्छा मेरे अंकल अंकल का वेट कर रहा हूँ मैं, चिपका चिपका का थोड़ा वेट करेगा, अरे नहीं यार कुछ नहीं हुआ विंटर से भी इसको, भाई कुछ तो करना पड़ेगा, लास्ट लास्ट है ये ड्रिप मेरी, बच 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 बच, मार मार इसको, मार मार मार, एक नंबर एक नंबर, 200 का डैमेज साथ 250 से ऊपर, ओ भाई अगर ये लग जाता तो खत्म था मैं गाइस, ओ भाई फिर आएगा नहीं, पूरा आगे आगे तक नहीं आया, अरे आगे वाले भैया जल्दी आओ, कब तक संभालूं, शिट अरे यार चिपका इसको, लगी देखो गाइस कितनी हेल्थ गई, मेरे पास हेल्थ नहीं है यार, अब मुझे पीछे रख के थोड़ा डिफेंस करना पड़ेगा, पंगे नहीं लूँगा ठीक है, अरे यहाँ तो अगर मेरे पास में वो वाला होता, क्या बोलते हैं ट्रैंस वाला, वो खड़े खड़े डंडा मारता है, ओ भाई जबरदस्त खेल रहा भाई तू तो, आ गया चल बेटा चल चल चल, मारो मारो मारो, अरे मार मत खाओ, मारो थोड़ा सा बचाओ, अरे अंकल क्या कर रहे हो, अरे कुछ नहीं कर पाए अंकल तो, बैंड बजेगी और बना रहा है वो, पीछे 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 पावर बना रहा है वो, चल पाएगा पीछे पीछे, बच गया बच गया बच गया, गाइस क्या करूं, कोई नहीं है मेरे पास मौका, मारेगा ये फिर आएगा वो, अब मार मार मौका, क्यों पिछवाड़ा कैसे, हाँ ये हुई ना बल लौंडो वाली बात, मजा आ गया, क्या कर रहा है भाई साहब, मरते मरते भी मार रहे हो मुन्ना, कुछ बोलोगे नहीं, चलो गाइस राख राख बन गई इसकी भी, और इसने दिया है गाइस हमें एक सीक्रेट गोल्डन चेस्ट, ऐसे गोल्डन चेस्ट जो मिलते हैं गाइस इनके अंदर से जो हेल्थ मिलती है आपको, जो पावर मिलती है जबरदस्त मिलती है ठीक है, एक स्पार्क मिल गया मुझे, एक फाइन गोल्ड थ्रेड मिल गया, और अभी तो मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है, माइंड कोड तो मिला ही मिलना था, जब बॉस पर आओगे तो क्या मिलेगा,
माउंटेन शेकिंग क्लॉ कुछ मिला गया ये भी चीज है। इस चीज को हम बेच के अपनी अपग्रेड करेंगे। ब्रीथ ऑफ फायर यानी कि हम आग में भी सांस ले सकते हैं। और मुझे मिले जा रहा है भाई, लूंग पल भी मिल गई मुझे। और भी कुछ है क्या? चलो बाद में इस पत्थर के एक जब पहाड़ के एक तरफ आया तो यहाँ मुझे ये मिला। पहाड़ तो नहीं गया जी, एक टॉडल का पीठ है ये कछुए की। तो पहले मैं एक बार हल्का सा गेम सेव करता हूँ, रिसेट करता हूँ और फिर हम चलेंगे उसके लेफ्ट तरफ में, इस टर्टल पहाड़ के लेफ्ट तरफ में, यानी कि जो भी टर्टल का जो पीठ है इसके लेफ्ट तरफ में। और वेपन के लिए मुझे कुछ बोल रहा है, कुछ नया वेपन आया क्या मेरा? ओ भाई साहब, गोल्डन लूग स्टफ, 108 का अटैक है भाई इसका। लेकिन मटेरियल ये मेरे पास में गाइस को नहीं ले सकता। अगर ये मुझे मिल जाता अभी और ये सामान वगैरह मैं क्या लगाऊँ यहाँ पर, ये नया मिला मुझे, इसको ले लेता हूँ। ट्राई करते हैं, मुझे आगे पता नहीं है, मुझे इनके बारे में इतना पता नहीं गाइस कि ये चीज़ें कैसे इस्तेमाल होती है कैसे इस्तेमाल नहीं होती है। तो बस हम जब तब चलते हैं अपने आगे की तरफ, इस सब देखता हूँ मैं और कुछ मुझे मिलता है तो ठीक है। सीक्रेट कुकर मिला है मेरे को एक, और क्या कुकर के अंदर क्रिस्टल जेड लोटस पिल मिल गई है गाइस। इससे थोड़ी सी हेल्थ बढ़ेगी मेरी, थोड़ी सी ही बढ़ी लेकिन अपना हेल्थ बार देखो। और गाइस एनिमी का जो हमारे बंदे आते हैं बॉसेस से उनके हेल्थ बार देखा करो भाई, वो तो कमी नहीं होते, मार मार के परेशान हो जाते। और इनको मैं नहीं मारूंगा, ये फालतू में अपनी हेल्थ नहीं खराब करूंगा यहाँ पर। ओ भाई मुझे लगा तू गया, यहाँ पे रास्ता तो बना हुआ है कुछ, यहाँ पे कुछ है। ओ एक और चेस्ट मिला, लकड़ी का चेस्ट है गाइस, इसके अंदर भी कुछ पक्का मिलेगा मेरे को। अरे सीधे तो खड़ा हो जाए चाचा। ओके क्या मिला? कुछ अलग ही मिला लग रहा है मुझे, बिल्स मिली है बस। और कोल्ड आयरन लीव्स, मतलब कोल्ड आयरन लीव्स ठंडी पत्तियां हैं जो लोहे की है, क्या बात है। चलो पता नहीं कैसे कैसे कहाँ यूज़ होता है गाइस, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जब गेम रिकॉर्डिंग ख़त्म करता हूँ उसके बाद मैं इसको हल्का फुल्का देख लेता हूँ कि भाई कहाँ पे क्या मुझे क्या यूज़ चीज करनी है। ताकि क्योंकि जैसे जैसे फाइट आपकी होती है गाइस बॉसेस के साथ में, कोई पत्थर वाला बॉस होता है तो कोई आग वाला बॉस होता है, कोई पानी में लड़ता है तो कोई हवा में लड़ता है, तो उनके हिसाब से इनके अलग अलग एबिलिटीज़ के हिसाब से हमें अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती है, इसीलिए गेम में दे रखी है अलग चीज़ें। और गाइस ये तिलसमन है, ये मैंने लगा रखा है फिलहाल अभी, कि जहाँ से हम गेम छोड़ते हैं वहीं से वापस स्टार्ट हो जाता है। गाइस इसके आगे का जो पार्ट है पार्ट 3 इसका बनेगा, और ये पार्ट 2 था गाइस। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं गाइस एक और जबरदस्त वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड नाइट। और जाके डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा कि हो सकता है कि आप एक एप्पल आईफोन जीत जाओ। बाय। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.